السلام عليك يا أبا عبد الله. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد शुरू पाक रब के पाक नाम से जो हर किसी की सुनता है बेशक बिला तफरीक बेशक कि वो उसे सजदा करता है या नहीं करता, हर किसी की सुनता है। अगर इब्राहिम की सुनता है वाह वाह, तो नमरूद की भी सुनता है बेशक, मूसा की सुनता है तो फिरौन की भी सुनता है, क्या कहना, क्योंकि सबका खालिक और मालिक है। और बाद उसकी हमद सना के आपको मेरा बेहतरीन दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर मौला, कोई परेशानी ना दे, आग से जब भी आंसू निकले सिर्फ में हुसैन मिलता, नसीब बुलंद करे मौला। ये मजलिस की रौनक है, कल की मजलिस पढ़ने वाले बेशक। एक तुर्की की बहुत मशहूर मिसाल है, अगर आपकी मस्जिदों में पीछे बच्चों का शोर नहीं होता तो दीन के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो जाए। तो अगर आपकी मजलिसों में बच्चे नहीं हैं तो मजलिसों के लिए परेशान हो जाए। बच्चे कल के आलिम हैं, कल की मजलिस की रौनक है, आज भी रौनक है। खुदा इनकी माओ को सलामत रखे, इन्हें सलामत रखे, सब आप भेजे कारसाज है। आवाज नहीं निकल रही थी, बहुत परेशान थी, मौला ने दो मददगार भेज दिए। तस्किरा चाहे अब मेंबर से हो चाहे फट से हो, तस्किरा अल्लाह रहमान है, हर किसी पे रहम करता है, मूसा पे भी, फिरौन पे भी, इब्राहिम पे भी, नमरूद पे भी, मानने वाले पे भी, ना मानने वाले पे भी, सजदा करने वाले पे भी, सजदे के मुनकिर पर भी, खुद उसके मुकाबले पे जो खुदा बन गए उन पे भी रहम करता है।
मोहम्मद वाले मोहम्मद उसकी सिफात से अलहदा नहीं है। आज देखिए मौला के अलम पे दुआ मांगने वाले कितने होंगे, सात मुहर्रम है ना। वाह वाह वाह, क्या कहने, हसन के कासिम की मेहंदी होगी। साल भर चाहे शिया काफिर के नारे, आज अपने घर से बच्चियों को लाएंगे, आओ शियों के अलम पे चलते हैं। इनका मौला तकदीरें बदल देता है, हमें कासिम की मेहंदी लगाकर अपने बच्चों के नसीब जगमगा देंगे। और मौला भी कितने करीम है, अपनों को तो देते ही देते हैं, दूसरों को भी अता करते हैं कि जान लो उस रहमान की तरफ से रहम करने के लिए हमारे दरमियान आ गए। जमाई तरफ कल शब से इमाम हसन के लाडले जनाब कासिम का तस्किरा शुरू हो गया है, कुछ लोग शब लगा के करते हैं। कल से इमाम हसन के वाकियात और मौजात बयान करने की कोशिश कर रही हूँ। दुआ है बारे इलाह अपनी बारगाह में कबूल करें। साहब खाने का फर्श बिछाना, आपका मेरा जल कराना, हमारा ये टूटे फूटे अल्फाज में पढ़ना, खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे ये हमारे गुनाहगारों के आंसू कहाँ रुमाले सैयदा, खुदा करे कि हमारे आंसू को रुमाले सैयदा में जलाए। अच्छा आजकल बड़ी आंसू पीस चल रही है, वाह वाह वाह, फासला रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगा कर आइए। मैं इसीलिए ये जुमला कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने आगे आगे करवाना है। वाह 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 वाह, मजलिस के एसओपीज अलहदा हैं। क्या दुनिया ने एसओपीज अभी बनाए हैं, मजलिस के एसओपीज रोजे अव्वल से जारी है। मजलिस से अजा में कैसे आइए, कहा विलायत का वजू करके आइए, विलायत का वजू करे हुए आप दाखिल नहीं हो सकते। दुरूद का मास्क लगा कर आइए, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजते रहिए, भेजते रहेंगे। फर्शे मर्दी से फर्शे शिफा है, शिफा मिलती है, परेशानी नहीं आती। खुद पुराने मासूम कह रहे हैं, देखो इस फर्श पे आके लंबे लंबे सांस लिया करो। क्या कहने, तुम सांस लेते हो, अव्वल तो ये जिंदगी तुम्हारी दूसरी जिंदगी में शुमार नहीं होती। वाह वाह वाह, मतलब जिसने जितनी जिंदगी बढ़ानी हो उतनी फर्शे अज़ा पर आ जाए, क्योंकि शुमार ही नहीं होती जिंदगी। दूसरी बात, जब तुम सांस लेते हो तुम्हारे अंदर की बीमारियां निकल जाती है। क्या कहने, अल्लाह जाने क्या क्या बीमारियां हैं, हसद की बीमारी, बीमारी, झूठ की बीमारी, पीने की बीमारी, दुनियावी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, ये सारी बीमारियां निकल जाएंगी। ये वाला आएगा क्या, क्यों क्या कभी दरख्तों को नहीं देखा, ऑक्सीजन लेके नाइट्रोजन ले लेते हैं, बस यही होगा, बीमारियां निकल जाएंगी, शिफा आ जाएगी, सच आएगा, मोहब्बत आएगी, एक दूसरे का एहतराम आएगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में समा जाएगी। मदद हक है।
का जमाना, एक शख्स कहीं दूर दराज इलाके से इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम को ख़त्म करने की नियत से आया, पहुंचा है खलीफा दोहम तक। कहता है मेरी चार सवाल हैं, या तो उनका जवाब दो या सारे के सारे इस्लाम का ढोंग ख़त्म करो। नाउज़ुबिल्लाह, अब वो क्या करें जो तख्त की खातिर वसी बना हो। क्या कहने, वो इनका वसी तो नहीं हो सकता। बेशक बुलाया गया मुश्किल में मुश्किल कुशा को, सुभानअल्लाह, दरबार सजा हुआ था, वज़रा उमरा दूसरे मुल्कों के वजीर बादशाह सब बैठे हुए थे, बड़े बड़े आलिम बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, अपने आप को बड़ा बड़ा सहाबी कहने वाले बैठे हुए थे। वहाँ वो आया जो कि मजदूरी करके पेट पालता है, जो कि सूखी रोटी जानू पे तोड़ कर खाता है, मैदान में आए तो मरहबो अख्तर को पछाड़ता है, तो उनसे से खैबर को उखाड़ता है। दरबार का नक्शा कुछ यूं था, दरवाजे से दाखिल हुए, दाएं बाएं कुर्सियां, सामने बादशाह वक्त, मैं तो खलीफा वक्त नहीं कह सकती, क्या कहने, खलीफा तो गदीर के बाद से अली। तख्त बादशाह वक्त साथ में सवाल करने वाला, शर्म न आई उसे कि जो इस्लाम को मिटाने आया था उसे तख्त पे बिठाया, जो इस्लाम बचाने आए थे उन्हें सामने खड़ा कर लिया। इमाम के साथ साथ इमाम हसन भी हैं, सुभानअल्लाह। तो ये अली ही तो सवाल करने आया है, इसके जवाब दीजिए। जानते हैं जब भी मुश्किल पड़ी है अली ने मुश्किल, आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता, मौला आपके कुर्बान जाऊँ, आप हलाकतों से बचाने। मौला कायनात कहते हैं आज मैं जवाब नहीं दूँ, तसव्वुर कीजिए धड़कनें हलक में आ गई, क्या कहने, वाह वाह, दम निकलने वाला हो गया होगा, अगर अली साथ न दे तो कौन साथ क्या दे? कहने, लेकिन इमाम ने फौरन उनकी मुश्किलों का हल किया। आज जवाब मैं नहीं, ये मेरा 10 साल का हसन है। क्या कहने, क्या कहने? ये जवाब देखा, मुझे सवाल करने आया था उसके दिल की कैफियत सोचिए, जो बड़े बड़े जवाब नहीं दे सके। इस बच्चे को तो मैं लम्हे में जेर कर दूंगा, और जो इन्हें अपने जैसा समझता है और आम बच्चा समझता है वो वैसे ही मार खाता है, क्योंकि 6 महीने वाला इमाम हसन से सवाल की, दिल कहता है इमाम हसन ने सोचा होगा सवाल या मैं शहर इल्म के दर पर बैठी हूँ। सवाल करने वाले ने सवाल किया, बताओ तुम कहते हो अल्लाह एक है, एक से पहले कितना था? बच्चे क्योंकि बैठे, बच्चों को ज्यादा समझ आएगा क्योंकि माए बार बार बच्चों को रगाती है अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह एक। वाह वाह, माए भी सलामत रहे, बच्चे भी सलामत रहे। एक है, एक से पहले क्या था? इमाम की कहा गिनती सुना, समझा बच्चा है खेल में, कहना क्या कहने। इमाम ने गिनती सुना शुरू की, अब दुनियावी गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से गिनती गिनी, एक दो तीन, मैंने कहा चुप हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, कहा जवाब, कहा गिनती सुना, गिनती सुनाई, कहा चुप हो जा। तीन दफा ऐसे ही किया, समझा बच्चा मुझसे खेल रहा है, बच्चा खेल नहीं रहा था, बता रहा था, तो उससे जब भी पूछा गया तूने गिनती एक से शुरू की, बस वो भी एक ही था, उसके जहां वो पहचाना जाए नूरे मोहम्मदी को अपने नूर से जुदा किया, उसने उनके दो टुकड़े किए, एक को रहमतुल्लिल आलमीन, एक को इन्होंने मिलकर। वाह वाह वाह, बेशक सल्ले अला मोहम्मद जाने कितने कुरान खत्म करवा रही है आपकी। क्या कहने, एक दफा या अली सिद के दिल से कहना एक कुरान खत्म करने की बस आवाज़। इमाम हसन ने सवाल का जवाब दिया, इसने सोचा वाकई जब दुनियावी गिनती एक से शुरू हो रही है तो अल्लाह भी एक के बाद फिर आगे बढ़ता गया।
समझ में आ रही बात। अच्छा ये बताओ अल्लाह एक है तो दिखता क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं? इमाम ने कहा अभी इसका जवाब मिल जाएगा, दरबार में दूध का जाम मंगाया जाए। मतलब समझा बच्चे ने एक सवाल का जवाब दिया, फौरन इनाम मांग लिया। जो ही दूध का जाम आया इमाम ने इशारा किया बताओ ये क्या है? दूध है। मक्खन कहाँ से निकलता है? ऐसे दूध से निकलता है। क्या कहने? घी कहाँ से निकलता है? दूध से निकलता है। वाह वाह। पनीर कहाँ से बनता है? दूध से बनता है। दही कहाँ से बनता है? दूध से बनता है। कान में से कोई चीज मुझे इसमें दिखा। क्या कहने? दिखाई नहीं देती। तुझे दूध में दही दिखाई नहीं देता। तुझे दूध में पनीर दिखाई नहीं देता। तुझे दूध में घी दिखाई नहीं देता। तो वो अल्लाह तुझे कैसे दिखाई दे? जब दिखाई नहीं देता तो ये बता तेरा अल्लाह किस सिम्त है? क्या कहने? सिम्त में वो होता है जो जिसमें जिस्मानियत रखे। वाह वाह वाह। मैं यहाँ हूँ, घर पे नहीं हूँ। क्या घर पे होती तो यहाँ नहीं होती। वाह वाह वाह। जो जिसमें रखता है वो मकान की कैद में होता है। बेशक अल्लाह वो है जो जिसमें जिस्मानियत से मुबर। बेशक बताओ तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? सवाल मुश्किल है, कोई कैसे जवाब दे? लेकिन आम बनने के लिए मुश्किल है, मुश्किल पेशा के बेटे के लिए। क्या दरबार में चिराग मंगाओ? चिराग रोशन करो। अंधेरे में चिराग रोशन किया गया, आप बताओ इसकी रोशनी किससे मिल जा रही है? अगर अंधेरा हो जाए यहाँ पे कोई लाइट का सामान किया जाए, चाहे एक माचिस ही रोशन की जाए, एक लम्हे के लिए चारों तरफ रोशनी हो जाएगी ना। दरबार में भी हुआ, चारों तरफ रोशनी हो गई। इमाम ने कहा ये रोशनी किस सिम्त जा रही है? क्या कहने? चिराग है, चारों तरफ रोशनी जा रही है। क्या तू दुनिया भी आम चिराग को नहीं समझ पाया जिसकी रोशनी चारों तरफ जाती है? वो अला कुल्ले शैन कदीर, समावाते वल अर्श, उसका नूर हर सिम्त फैला। बेशक बेशक। क्या कहते? जवाब मिला। इसने चौथा सवाल किया, मुश्किल सवाल था। इसने कहा बताओ, ठीक है पहला सवाल समझ आ गया अल्लाह ही, दूसरा सवाल समझ में आ गया अल्लाह दिखता नहीं, तीसरा सवाल समझ में आ गया अल्लाह किसी एक सिम्त नहीं, हर जगह शहर से ज्यादा करीब है। बेशक जब हर जगह मौजूद है तो बताओ इस वक्त तुम्हारा रब क्या कर रहा है? दरबार का नक्शा जहन में है, दाएं जानी पी कुर्सी नशीन, बाएं जानी पी कुर्सी नशीन, सामने तख्त नशीन, सामने फर्श पे हुकूमत करने वाले, अर्श पे हुकूमत करने वाले मौलाए कायनात साथ में इमाम हसन। जब से सवाल किया इमाम के इसका जवाब जब दूंगा तू उतर मेरे मुकाम पर आ। क्या कह? मैं चलूं तख्त पे बैठूं तेरे मुकाम पर आऊं। अब ये वहां से चला, इमाम यहां से चले। अक्सर मैं जुमला कहती हूँ हर चीज किताब में नहीं लिखी होती, कुछ अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। इमाम यकीनन जब चले होंगे मुड़ के बाबा को देखते होंगे, बाबा जो आपको तख्त नहीं देता। क्या कह रहे? जो आपको तख्त नहीं देता मुझे तख्त पे बिठाने जा रहा है। पहले वाले को मैं कह चुका मेरे तख्त से होता है मेरे बाबा का तख्त है, मेरे नानी का तख्त है, ये खुद मुझे बिठाएगा। चलते चलते ये यहाँ से चले वो वहां से चला, ये मुड़ मुड़ के बाबा को देखते रहे, बाबा आंखों ही आंखों में दादू तहसील। इमाम हसन चलते चलते तख्त पे बैठे, ये चलते चलते जमीन पर आया, खड़ा हुआ। इमाम ने कहा पूछ क्या पूछ रहा था? बेनियाज के बेनियाज बंदे हैं। बताओ तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? क्या मेरा अल्लाह तुझको जो तू उम्र दराज है करा रहा है मुझ हसन से जो कम सिन है।
कोई हसन क्योंकि दौरे बचपन में इतना आलिम हो, 50 हिजरी में एक नामा तहरीर की, नामा जानती है ना, खत तहरीर किया, तावीज बनाया कासिम के बाजू पे बांध, बेटा कासिम जब कोई परेशानी पड़े ना इस खत को खोल लेना, इस तावीज को खोल लेना। इतनी आसानी से जाकिर ये जुमला पढ़ जाता है, आप और मैं ये जुमला सुन लेते हैं। हसन का नामा, कासिम का तावीज, रोजे आशूर खुला, बीच में 10 साल का अरसा आता है, 50 हिजरी से 61 हिजरी के 10 मुहर्रम तक कासिम को जरूरत नहीं पड़ी कभी नामा बाबा का खोले। या अल्फाज को बदल के यूं क्यों ना कह दूं, कभी मुश्किल नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हसन का यतीम है, तो को छोड़ के बोले अपनी अपनी किस्मत होती है, हसन का यतीम हो तो शहजादों की तरह पले, हुसैन की यतीमा हो तो कैदन बन के पले, खुदा को किसी गम में ना रखो। अपनी आखिरी मजलिस समझ के मैं पढ़ रही हूँ, आप आखिरी मजलिस समझ के सुनिएगा। कासिम को इजाजत नहीं मिलती, हुसैन कैसे इजाजत दे, अली अकबर की तरह पाला है, भाई की निशानी है, तस्वीर हसन है, कासिम को इजाजत मिली। कहते हैं जीरे मंगाई गई, जीरा जानती है क्या काम होता है, बड़े जानते होंगे, बच्चों को बताती हूँ, जीरा लोहे की होती है, उसे सीने पे पहनते हैं, जीरा का काम ये होता है आने वाले वार को सीने पे रोक लेता है, सीना जख्मी नहीं होता, अगर सवार घोड़े से गिर जाए तो घोड़ों की टापों से सीना जख्मी नहीं होता। मेरा सलाम बतूल आपके और आपके पोते पर, जिनकी जिंदगी में मछलियां जोड़ दी गई। वही जरा कासिम के पूरी न आई, 13 साल का बच्चा पढ़ के कहता है चाचा अगर कोई जिंदा नहीं आती ना आने दे, चाचा मुझे ऐसी सवार कर दे। हजरतारानी हंसे, अपनी अपनी किस्मत है, कासिम जाए तो अली अकबर सवार कराए, हुसैन सवार कराए, अब्बास सवार कराए, और सैयदा का गरीब जाए तो कोई सवार कराने वाला ना हो। अगला जुमला सुने, अब जो कासिम चले, हुसैन ने गिरेबान चाक कर दिया, अरबों में दस्तूर था जब कोई यतीम जंग के लिए आता उसका गिरेबान चाक। खुदा मुझे ताकत दे मैं आपको शहादत तक सुन सकूं, गिरेबान चाक कर देते थे, यहाँ पे कासिम का गिरेबान चाक था, लेकिन जालिम को खाली चाक गिरेबान पसंद नहीं आया,